नरवाल आईडी धमाकों का आरोपी गिरफ्तार। शास्त्री नगर और कटरा बस धमाके में भी था हाथ। पेशे से सरकारी टीचर, पकड़ा गया आतंकी। आतंकी से पुलिस ने परफ्यूम आईडी की बरामद। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ था संपर्क में। राज्य का दर्जा वापस देने की मांग पर जम्मू में बवाल। आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारियां। भाजपा पर लगा अफरा तफरी का माहौल बनाने का आरोप। बठिंडी और सुजवा के लोगों का आंदोलन जारी। लोगों ने बच्चों को साथ लेकर निकाली रोष रैली। सरकार से फिर लगाई बेघर ना करने की गुहार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू के नरवाल इलाके में 21 जनवरी को हुए दो आईडी धमाके के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आरिफ निवासी रियासी के रूप में की गई है, जो पेशे से एक सरकारी टीचर है। आरिफ की गिरफ्तारी के साथ ही फरवरी 2022 में जम्मू के शास्त्री नगर में हुए आईडी धमाके और उसके बाद कटरा में बस में हुए आईडी धमाके के मामले को भी पुलिस ने सुलझा लिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शास्त्री नगर और कटरा धमाकों के लिए भी आरिफ ने ही आईडी फिट की थी और आरिफ पाकिस्तान जा बसे कासिम नाम के हैंडलर के संपर्क में था और उसी के इशारे पर इसने जम्मू सूबे को दहलाने का बीड़ा उठाया। डीजीपी ने बताया कि आरिफ के कब्जे से जम्मू कश्मीर में पहली बार एक परफ्यूम आईडी भी बरामद की गई है, जो कि बेहद घातक साबित हो सकती थी। वहीं आरिफ की गिरफ्तारी से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है, ये सरकारी मुलाजम भी है। 2010 में रैबर इतलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसके साथ रابطہ हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है, काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक तो उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासिम ने लंबा अरसा पहले कोई 19 में इसके साथ रابطہ साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी, एक नहीं बल्कि दो आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी थैले के अंदर डाल के, और दो आईडी एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी
और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है, और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया या खोल दिया तो आईडी फट जाएगी, और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पटगोत्रा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद पुलिस बल ने विफल बना दिया और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज गरीबों के आशियाने बुलडोजर से जमींदोज किए जा रहे हैं। पटगोत्रा ने चेतावनी दी कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी का यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यों को तोड़कर यूटी का जो दर्जा दिया, उसके खिलाफ जो है वो आज हमने प्रदर्शन किया है कि हमें राज्य का दर्जा वापस से चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मचाया जा रहा है और उसके खिलाफ है, तो आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हकूक से वंचित रखा गया, चाहे वो एम्प्लाइज थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयड जो था, उनको जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो ला के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ पे आए दिन जो है वो लोगों की जमीनों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों के मकानों को जेसीबी के साथ जो है वो ढहाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको सहन नहीं करेगी, और जब तक जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जम्मू के भटिंडी और सुंजवा के साथ साथ आसपास के इलाकों में जमीनें खाली करने के नोटिस से गुस्साए लोगों का आंदोलन अभी भी जारी है। आज इन लोगों ने अपने बच्चों को साथ लेकर एक रोष रैली निकाली और सरकार से उन्हें बेघर ना करने की गुहार लगाई। इन लोगों को आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य सियासी दलों का भी समर्थन हासिल हो चुका है और लोगों के मुताबिक वो पिछले कई दशकों से अपने आशियाने बनाकर यहाँ रह रहे हैं और सरकार ने रातों रात नोटिस जारी कर उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है, हमारे 3 दिन से जो यहाँ पर रिलीज दे रखी थी हमने, आज हमारा 3रा दिन है पीसफुल प्रोटेस्ट का। सुंजवा मेट्रो स्टेशन से निकाल के हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जितने लोग भी हैं, ये सारे के सारे परेशान लोग हैं जिनको कानून दिखा के परेशान किया जा रहा है इस टाइम पे, और ऐसे काले कानून दिखा के परेशान किया जा रहा है जिनके हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। और हम ये आपकी साथ से यहाँ से कह देना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो 100 साल से 200 साल से इन जमीनों पे काबिज हैं, बैठे हैं, ये महाराजा के बढ़ाए हुए लोग हैं। ये कोई आज या कल परसों उठ के नहीं लोग आए हैं कि भाई जिनको आप रातों रात कोई एविक्शन ऑर्डर निकाल के तो इस तरीके से एविक्ट कर दोगे, ये हम कभी होने नहीं देंगे। और आपकी साथ से हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, ये रातों रात ऑर्डर न बनाए जाए, ये रातों रात चीजें ना भेजी जाए कि भाई लोगों को दरबदर करने की स्कीम बनाई जाए। कल से कोई वायरल हो रही है चीजें कि जी एल जी साहब कह रहे हैं कि 15 मरले तक हम दे देंगे, तो मेरा आपके साथ से पूछना है कि जनाब 15 मरले तक तो आप दे दोगे, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके माल मवेशी हैं, जिनके भेड़ बकरियां हैं, तो वो जिनके पास 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जमीन है वो लोग कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं जी हम बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स को उठा रहे हैं, तो उन लैंड ग्रैबर्स की एक लिस्ट दे दी जाए हमें किसके पास 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ जमीन है, आप खाली करवाइए, ये नहीं होती है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन इस तरीके से लोगों को, छोटे लोगों को परेशान किया जाए, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो मजलूमों बेसहारों पर जो ये जो जबरदस्ती की जा रही है, जिस तरह के नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ताकि ये लोग जो जो खौफ डर के माहौल में है, जो लोगों को डर है कि हम बेघर हो जाएंगे, ताकि उनको एक फौरी तौर पर लीव मिले। हम आपके जरिए, आपके माध्यम से यह अपील कर सकते हैं एलजी प्रशासन को कि ये आर्डर फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए, ताकि लोगों को फौरी तौर लीव मिले, ताकि ये लोग
एक यहाँ सुजमा बठिंडी की बात नहीं है, हर जम्मू कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में ये हाहाकार है पूरे जम्मू कश्मीर में। 70 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हम आपके जरिए यही अपील करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर वापस किया जाए ताकि लोगों को एक राहत मिले। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज वेटलैंड डे मनाया गया और इस विशेष दिन पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित घराना वेटलैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि वेटलैंड महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है और इसकी अहमियत लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वेटलैंड से जुड़े लोगों को इस अहमियत का पता होना चाहिए ताकि वो वेटलैंड के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सके। इस दौरान मुख्य सचिव ने वेटलैंड में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन कार्यों का समय सीमा के भीतर पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने नए विकास कार्यों की नींव भी रखी। आज का जो प्रोग्राम था वेटलैंड डे के रूप में किया गया था। वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है और इस मैसेज को देने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि जितने भी लोग वेटलैंड से जुड़े हुए हैं उनको उसका महत्व समझ में आना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में और बेहतर करने में मदद करनी चाहिए। आज का प्रोग्राम इसीलिए था कि सभी जागरूकता हो और वेटलैंड को लोग एक एसेट के रूप में स्वीकार करें और उसको अच्छी तरह से संरक्षण में मदद करें। महाराष्ट्र में 13 से 16 जनवरी तक हुए मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर कई मेडल अपने नाम करने वाले खिलाड़ियों को भाजपा ने आज जम्मू में सम्मानित किया। भाजपा के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युधवीर सेठी व अन्य नेताओं ने इन होनहार खिलाड़ियों की पीठ थपथपाकर इन्हें सम्मान दिया और इनके अभिभावकों को भी मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पेंसिक स्टॉक जो महाराष्ट्र के अंदर 13 से 16 तारीख तक जो कंपटीशन हुआ, नेशनल कंपटीशन, उसके अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चों ने, लड़कों के साथ साथ हमारी छोटी बेटियों ने भी जिस प्रकार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको और इनके सारे पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मज्योत जी द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगे भी जो स्पोर्ट्स के अंदर, स्टडी के अंदर, या किसी बच्चे के अंदर जो हुनर होता है उस बच्चे को हम लोग यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से दुआ करता हूँ ऐसे होनहार बच्चे जो हैं ये आगे चलकर, आज तो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम ऊंचा किया, आगे चलकर ये बच्चे हमारे इस स्टेट का इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम ऊंचा करें, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं एक बार फिर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के बच्चों के कौशल विकास के लिए जम्मू में जल्द ही कैंप लगने जा रहे हैं और ये कैंप 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे और इसके लिए भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने भी कमर कस ली है और इकाई के प्रधान चांद भट्ट ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन कैंपों का ब्यौरा देते हुए अभिभावकों से बच्चों को पंजीकरण करवाने और इन कैंपों का लाभ लेने की अपील की है। वो 4 और 5 फरवरी को माइग्रेंट कैंप जगती में, सूर्य भवन पलोड़ा में, सिनाई शहनाई झंझगर शहनी जम्बोड़ी में और शारदा पीठ बंतलाब में 6 को है। 13 फरवरी को कम्युनिटी हॉल कमपुरखू में है। 15 तारीख को ये अपना देवा पैलेस नानक नगर में। सरकार की तरफ से ये कैंप्स लगाने जा रहे हैं सरकार और रिलीफ कमिश्नर इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मैं अपने डिस्प्लेस्ड सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि आप अपने बच्चों को लेके इन कैंपों में जाए ताकि जितने भी स्पॉन्सर्ड केसेस आप अप्लाई करेंगे, जिनके लिए आप एप्लीकेशन वहां पर दे देंगे, सरकार उनको टेक ओवर करेंगे, हम भी उनको प्रोसिक्यूशन करके और आपके बच्चों को ये चीज़ें जैसे बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ है, पढ़ाओ है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, स्टडीज के लिए, इवन स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे बच्चों को आगे आना पड़ेगा।
जिला उधमपुर के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को बाहर लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र उधमपुर द्वारा बड़ी पहल की गई है। नेहरू युवा केंद्र ने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से मिनी स्टेडियम में क्लस्टर लेवल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर के मुकाबलों में 100 से अधिक स्थानीय युवाओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उधमपुर ब्लॉक की तरफ से और इन नेहरू युवा केंद्र ने यहाँ पे क्लस्टर लेवल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करवाया है इन कलेबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। और ये प्रोग्राम, इसमें 3 गेम्स हमने रखी हैं, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर। और यहाँ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का मेन मोटिव ये है कि हम जो रूरल यूथ है उनको एनकरेज करें रूरल स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, जो रूरल यूथ है, वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके और हमारी लोकल गेम्स को बढ़ावा मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट का सत्ता पक्ष ने जहां पर स्वागत किया है, वहीं पर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बात करें अगर व्यापारी वर्ग की, तो इस वर्ग की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बजट पर क्या कुछ कहना है सियासी दलों के नेताओं और व्यापारी वर्ग का, आइए आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम तो गवर्नमेंट को और विशेष तौर प्रधानमंत्री साहब और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसा सराहनीय और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट सरकार ने जो पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हुए ये बजट है। और इसमें हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय वाला हो, या किस मातृशक्ति हो, हर वर्ग का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। जो हिंदुस्तान आज भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मिलेट्स पे की बात करते हुए सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान वर्ल्ड की मिलेट्स कैपिटल बने। इसके साथ साथ 50 एयरपोर्ट की बात की गई है, एयरपोर्ट के साथ साथ नौजवानों के लिए 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात खोलने की बात हुई है, 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को स्किलफुली डेवलप करने की बात इस सरकार ने इस बजट में कही है। ऐसे विशेष, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य सरकार ने, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो बजट पेश किया है, इसके लिए सरकार मुबारकबाद की हकदार है। सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जनजातीय समूह के लिए, जनजातीय लोगों के लिए भी कई विशेष स्कीमें, योजनाएं लाई गई हैं, क्या देखते हैं पूरा उन्नत कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि मैंने कहा कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे ट्राइबल क्लास हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और हर वर्ग के ध्यान के साथ साथ ये हिंदुस्तान, जब हम अपना आज़ादी का 100वां पर्व मना रहे होंगे, इस हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिन लोगों की इनकम जो है वो 5 से 7 लाख के बीच में, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन आज लोगों के पास बचत ही नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। आम आदमी, सीनियर सिटीजन, वो लोग जो कि पेंशन पे या कुछ थोड़े से पैसे पे बैंक में रख करके उससे पेंशन का 7 पैसा सूद का जोड़ करके गुजारा करते थे, आज उनका सारा खत्म हो गया। और उन लोगों को इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा, बुढ़ापे में उन लोगों के पास उन्होंने जो सोचा था वो सारा बजट कर बना गया। इसी तरह से ये तो दावे और आंकड़े गिनते हैं, लेकिन आम आदमी और खासकर गरीब आदमी के लिए कोई राहत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है महंगाई और बेरोजगारी जो है, उस पर कोई थ्रस्ट, फोकस, कोई डायरेक्शन पर कदम नहीं नजर आया इसमें। इसलिए कुल मिला करके इस बजट में कोई ज़्यादा खुशी की बात नज़र नहीं आई। मैं सवाए एक आंकड़े हैं जो हर साल पेश होते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा नया तोहफा नहीं है। पहले जो बजट बनते थे वो बैकवर्ड इनकम, लोअर इनकम वाले और इंडस्ट्रीज को ही टच करते थे। इन बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, किसी इंडियन गवर्नमेंट ने मिडिल इनकम को टच किया है और उसको रिलीफ दिया है। मेरे को लगता है ऑन ग्राउंड ये कितना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये तो अभी बड़ा जल्दी है आपको बताना।
अगर वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ती पहली सीढ़ी है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी लेकर चल रही है। सारी ढंग से देखूं तो स्वागत योग्य बजट है, और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर 7 लाख तक किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। और MSME के द्वारा यूथ को अट्रैक्ट करने की बात की है, 1 साल तक दोबारा इनकम टैक्स को फ्री करने की बात कही है। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% बजट बढ़ाया गया है, मतलब साफ है कि हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही है। तो व्यापारी वर्ग जो है इस बजट का वेलकम करते हैं, और जो खासकर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही गई है, और रूरल एरिया में बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही है, एक स्वागत योग्य बजट है। हम सब भारतीय जो है इसका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की 24 साल की बेटी मुस्कान रघुवंशी महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर साइकिल पर जम्मू से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली है। मुस्कान रघुवंशी ने बीते दिन यानी कि 1 फरवरी को जम्मू के BSF कैंप से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था, और कठुआ पहुंचने पर मुस्कान रघुवंशी का JK ब्लड डोनर संस्था के सदस्यों ने शानदार स्वागत करते हुए उसे एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि मुस्कान की यात्रा करीब 6 राज्यों से गुजरती हुई 25 दिन में लगभग 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान मुस्कान प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाएगी। कठुआ की यातायात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, और लोगों का आरोप है कि बद से बदतर हो चुकी यातायात व्यवस्था का खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यातायात व्यवस्था ठीक न होने के कारण वाहन चालक अपनी मनमानी करते हैं, और जिससे आए दिन सड़क हादसे पेश आते हैं। यही नहीं, लोगों का यह भी आरोप है कि सर्विस लाइन पर भी अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं, लेकिन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने मुख्य चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी मर्जी से क्रॉसिंग कर देते हैं, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, उसके बावजूद आप वहाँ पे चौक में देखिए कितना नशा है। जो सर्विस लेना है वो बिल्कुल बंद की हुई है लोगों ने, गाड़ियाँ लगा के या कोई प्राइवेट गाड़ी जहाँ दिल करता है, दोनों साइड देख लीजिए आप। तो जो ये सब जो ट्रैफिक की व्यवस्था है हमारे अपने कठुआ शहर में, ये बिल्कुल ही बद से बदत रहा। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम 2-3 जहाँ पे ट्रैफिक वाले होने चाहिए जो ट्रैफिक को अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे मेन चौक है हमारा कालीबड़ी में, तो यहाँ पे कम से कम 2-4 कैमरे CCTV कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आए दिन आप देखते रहते हो कि कोई ना कोई हादसा होता रहता है, क्योंकि जहाँ पे ना तो कोई मतलब कोई स्पीड ब्रेकर है, चलो हाईवे पर तो नहीं भी ना सकते, तो जो जहाँ पे कम से कम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 2-4 बंदे ट्रैफिक के जहाँ पे होने चाहिए, पुलिस के 2-4 बंदे होने चाहिए, जिसके कारण लोगों को कम से कम उनका प्रभाव होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए कि ये पुलिस वाले खड़े हैं, अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएंगे तो ये हमारा चलान हो जाएगा। इसी के चलते आपने मेरे ख्याल में पिछले दिन जो बुरवाल मोड़ में जो हादसा हुआ, वो वहाँ पे भी कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे बेचारे रोड पे खड़े रहते हैं, वो क्रॉसिंग करते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी आ रही होती है, वो बेचारी हमारी छोटी गुड़िया एक कल उसकी डेथ हो गई है। तो इसी के चलते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है कालीबड़ी में वो देखा जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल जाते जाते बात करेंगे एक और खबर की। श्रद्धालु देशभर की पवित्र नदियों में मार्ग स्नान कर रहे हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और जम्मू की पवित्र सूर्यपुत्री तवि के हर की पौड़ी घाट पर भी मार्ग स्नान जारी है। महंत महादेव सरस्वती ने बताया कि 5 फरवरी को मार्ग स्नान का समापन है, और इस दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू वासियों से ज्यादा संख्या में इस अनुष्ठान में भाग
भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। हमारा ये काफी सालों से पहले से ही ये माघ स्नान यहाँ पे तभी गंगा घाट हर की पौड़ी पे चलता आ रहा है। अभी इस साल का अब 5 फरवरी को इसका समापन होने वाला है। समापन के दिन हमारा यहाँ पे जो सुबह 6 बजे से यज्ञ चलता है 9 बजे तक, 9 बजे के बाद 10 बजे दूध की धारा, तभी मैं गंगा जी में पालकी में माता को लेके दूध की धारा प्रवाया जाती है। दूध के धारा के बाद 11 बजे जो है भंडारे का शुरुआत होता है। इसलिए मैं सारे जम्मू वासियों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।